तो अभी रिसेंटली तारक मेहता शो के सेट से टप्पू सेना जो है वो लाइव आई थी तारक मेहता शो के ही दो फैंस के साथ। जी हाँ दोस्तों, तारक मेहता शो के दो फैंस जिन्होंने शूटिंग लोकेशन को विजिट किया था, तो वहां पर उन दो फैंस ने तारक मेहता शो की शूटिंग को लेकर क्या खुलासा किया और भी ढेर सारी बातें की। तो गाइस उस लाइव में क्या क्या हुआ जरा देख लेते हैं। हेलो गाइस, हेलो, ये अपना अकाउंट है, ये अपना अकाउंट, यस। हे गाइस व्हाट्स अप, ए बच्चों लोग माइक लगाओ। हाँ जी थोड़ा तमीज लगा दे। हेलो। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम लोग के साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बड़े फैन हैं यहाँ पे हमारे साथ, तो चलिए उनसे मिलवाते हैं हम लोग, आ जाइए। तो ये है वो दो बहुत ही बड़े फैंस तारक मेहता का उल्टा चश्मा के, नाम बताइए अपना। विरल राजानी, श्याम राजानी। ओके, सो विरल एंड श्याम यहाँ पर है हमारे साथ सेट पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के, हम सबसे मिलने आए हैं। और आप स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो शो? यस बिल्कुल। सारे एपिसोड्स देखे? सारे एपिसोड्स। कितने एपिसोड हुए हैं? 29 yes, 26 आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? बेस्ट मेमोरी मतलब हर एक एपिसोड एकदम बेस्ट ही है, बट वैसे गिने तो बहुत सारे मोमेंट्स है। अभी रिसेंट वन ही था जो वैलेंटाइन वाला था। ओके थैंक यू, थैंक यू। वो सबसे मतलब एकदम जो था वो अच्छा मजा आ गया उसमें, बहुत मजा आया। ओके आपका सर फेवरेट है? बहुत सारे वैसे तो, जैसे कि एग्जांपल कि भूतनी वाला। अच्छा भूतनी वाला, ओके वो मेरा भी पर्सनल फेवरेट था। और फेवरेट कैरेक्टर कौन है आपका पूरे शो में से? एक नाम तो लेना पड़ेगा। वैसे तो बहुत सारे हैं और यहाँ पे भी टप्पू सेना खड़ी है, बट स्पेशली दिलीप सर फर्स्ट, पहले से ही मतलब जब से शो स्टार्ट हुआ फर्स्ट एपिसोड से, मतलब फर्स्ट एपिसोड में ही ड्रीम, वहाँ से ही जो स्टार्ट होता है। दिलीप सर मतलब याद है जिसमें पेट पकड़ के हंसे हो आप लोग? कोई सीन ऐसा बताए जिसमें हंसे नहीं है, रियली बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू। भूतनी में भी हंसे थे आप? सब में डरते ही इतने सब तो डराते हैं। नहीं, हम लोग हंसाते भी हैं, तो अच्छी बात है कि ये अच्छी बात है कि हमारे डर में भी इनकी हंसी छूट जाती है, तो काफी अच्छी बात है। हम रोए हंसे कुछ भी करे डरे, इनको हंसी आती है और यही हमारा काम है, हंसाना लोगों को। और देखा आपने हमारा सेट देखा पूरा? यस देखा। कैसा लगा? एकदम बहुत बहुत अच्छा है। यहाँ पे आ जाइए। ओके, तो कैसा लगा रियल में देख के, कैसा लग रहा है हम सबसे मिलकर, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा और रियली अप्रिशिएट करता हूँ आप सबके हार्डवर्क को। कि अभी जस्ट मैंने लाइव शूटिंग देख रहा था कि आप लोग इतने टेक्स ले रहे थे बार बार जो सब मतलब कर रहे थे, तो मतलब हमको ऐसा लगता है कि 20 मिनट का एपिसोड है, बट वो 20 मिनट के पीछे ना पूरा जो 2 घंटे का मेहनत रहता है ना वो है। तो मतलब एकदम जो है वो रियली मतलब आपको जो यहाँ पे आके देखोगे तो मालूम रहता है कि कितना इन लोगों को मेहनत लगता है। हम सिर्फ ऐसे बोलते हैं कि ये लोग ऐसे करते हैं ना ऐसे करते हैं, बट एक बार खुद भी करो तो पता चलेगा। थैंक यू। और ये अच्छा, उन्होंने हमारे लिए स्पेशली उन्होंने आने के लिए एक ऑटोग्राफ बुक बनाई है, आप देख सकते हो पीछे पीछे घुमाओ, पीछे हाँ पीछे भी है एफसी डीएम, ये इनका पेज है। यस, ये जो है सॉरी दिख नहीं रहा जो मंडी फैन पेज है, टीएम के ये जो दो फैन पेजेस हैं जो चलाते हैं। यस, आप इनको फॉलो करो, ये बढ़िया है, बढ़िया है। और ये हमारे लिए बुके भी लेकर आए थे, सो थैंक यू। आप पहली बार गोकुलधाम में? यस फर्स्ट टाइम। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा को वन वर्ड में अगर डिस्क्राइब करना हो क्या नाम देना चाहिए? क्या? हैप्पीनेस, ऑफ कोर्स हैप्पीनेस, बिकॉज 12 साल से बांट रहे और अभी भी कंटिन्यू है, तो हम भी यही प्रार्थना करते हैं कृष्ण भगवान को कि ये चले ही जाए और जर्नी चलते ही रहे। बस ये आप सबका प्यार ही है जो हम लोग यहाँ तक आए हैं, 11-12 साल हो चुके हैं होने आ रहे शो को, एंड आप सभी का ही प्यार है जो, और जितने भी फैन क्लब्स हैं जो भी देख रहे हैं उनको मैं थैंक्स करना चाहूँगा। हमारे जितने भी एडिट्स बनाते हैं डीएम्स जो हमें डीएम भी करते हैं, हम उन्हें रिप्लाई नहीं कर पाते, सॉरी फॉर दैट, लेकिन हम लोग शूट में भी बिजी होते हैं तो हम ध्यान नहीं दे पाते, बट इन दोनों के थ्रू आपके एनटीएफ के जो हम लोग लाइव जा रहे हैं अभी उसके थ्रू मैं बताना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच, जितने भी आप एडिट्स बनाते हो हमारे लिए इतना प्यार देते हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। अभी हमें काम है, हम जाना पड़ेगा, इन लोगों का शूटिंग है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।